हेलो गाइस, आज मैं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में एक राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और वो बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। वैसे मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण किया था, परंतु 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। वैसे मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। 1843 में उसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया। उसके बाद गाइस, कार्ल मार्क्स चले गए थे पेरिस और वहां पर उसको एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ था, जिसका नाम है फ्रेडरिक एंगेल्स, जो कि उसे 1844 ईस्वी में उससे मुलाकात हुआ था, जिससे जीवन भर उसका गहरी मित्रता बना रहा था। एंगेल्स के विचारों और रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों और उनके कार्यों की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाज का जनक कहा गया। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में एक है, जिसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किया था, जिसे समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है। तो गाइस, ये थे कार्ल मार्क्स के संक्षिप्त जीवन परिचय। तो गाइस, ऐसा सवाल आपको 10th में पूछे जाते हैं,